वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि सिंथेसिस पर आधारित है। सिंथेसिस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पार्टिसिपल पर आधारित है, अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को चालू करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टिसिपल का क्या रूल होता है प्रयोग करने का। तो आइए शुरू करते हैं पार्टिसिपल। इसकी सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल का प्रयोग तभी संभव होता है जब कई वाक्यों का कर्ता एक ही हो लेकिन फाइनाइट वर्ब अलग अलग हों। तो ऐसे वाक्यों को हम पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे प्रयोग की जाती, तो आइए देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है और हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके निकलता है। और इसकी पहचान होती है दो कार्य साथ साथ चलते हैं और प्रायः दूसरा कार्य जो होता है वो पहले कार्य का परिणाम होता है। जैसे आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो बन गया इसका सींग ए स्नेक, यानी एक सांप को देखकर आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो मेरे भागने का कारण जो है वो है सांप को देखना। तो यानी जो दूसरा काम है मेरे भागने का वो सांप देखने का परिणाम है। तो अर्थात पहला वाला जो कार्य है उसी का परिणाम है दूसरा वाला कार्य। अब देखते हैं नंबर 2 पर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है और वाक्य में यह एडजेक्टिव का काम अर्थात विशेषण का काम करता है। जैसे शी फाउंड हर पेन, उसे उसका पेन मिल गया। इट वॉज लास्ट, यह खो गया था। तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा शी फाउंड हर लास्ट पेन, उसे उसका खोया हुआ पेन मिल गया। अब ये जो लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो ये जब किसी नाउन से पहले अर्थात पेन के पहले आ गया है तो अब यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पेन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले प्रयोग हो गया है तो ये एडजेक्टिव हो गया। उसे कौन सा पेन मिल गया अर्थात खोया हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है। अब नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, प्रायः जब एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, अर्थात दोनों कार्यों के बीच में काफ़ी समय अंतराल होता है। तो इसको बनाने के लिए हैविंग प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग किया जाता है। और यदि परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो वहाँ पर हैविंग के साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे रामू कंप्लीटेड वर्क, रामू ने अपना काम पूरा किया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाज़ार गया। तो अर्थात जब पहला काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तब दूसरा काम शुरू हुआ है उसके बाज़ार जाने का। तो इसका परफेक्ट पार्टिसिपल इस प्रकार से हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड वर्क, अर्थात उसका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद रामू वेंट टू मार्केट, रामू बाज़ार चला गया। आई होप आप पार्टिसिपल आप लोग समझ गए होंगे। और किसी प्रकार की यदि दुविधा है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं एक्सीलेंट और एनसीईआरटी की बुक में सिंथेसिस की जो पहली एक्सरसाइज है उसका हल देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सेंटेंस है द टाइगर वाज हंगरी ही किल्ड ए गोट। बीइंग हंगरी कॉमा द टाइगर किल्ड ए गोट। अगला ही हैज फेल्ड ही हियर्ड द न्यूज ही फेंटेड। तो इसका सही हो जाएगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर कॉमा ही फेंटेड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इस फेल्ड वर्ब को हम नाउन फेलर में परिवर्तित कर देंगे। अगला है द पीपुल सा द फ्लेम्स दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। इसका करेक्ट हो जाएगा सीइंग द फ्लेम्स कॉमा पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। अगला ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम।
सही हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम। अगला है आई वॉज हंगरी आई टुक माई फूड, तो करेक्ट हो जाएगा बीइंग हंगरी कॉमा आई टुक माई फूड। अगला है आई सॉ ए मैन ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा आई सॉ ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। अगला है महेंद्र भूपति वॉज डिफीटेड बाई लियंडर पेस ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, तो सिंथेसिस हो जाएगा हैविंग बीन डिफीटेड बाई लियंडर पेस कॉमा महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट है आई सॉ ए मैन ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, तो इसका हो जाएगा आई सॉ ए मैन कॉमा स्मोकिंग ए सिगरेट। अगला है शी वेंट टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स, तो गोइंग टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स। अगला है आई सॉ ए बॉल आई पिक्ड इट अप, तो सिंथेसिस है सीइंग ए बॉल कॉमा आई पिक्ड इट अप। अगला है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, तो इसका हो जाएगा हैविंग स्वेप्ट द रूम कॉमा द सर्वेंट वेंट अवे। अगला है ही केम टू मी ही गेव मी दिस लेटर, तो कमिंग टू मी कॉमा ही गेव मी दिस लेटर। अगला है द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंड हिज लाइफ, तो इसका हो जाएगा वर्किंग एंड लाफिंग कॉमा द पुअर मैन स्पेंड हिज लाइफ। अगला है आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड आई सॉ ए स्नेक आई रैन अवे, तो सीइंग ए स्नेक ड्यूरिंग द वॉकिंग इन द फील्ड कॉमा आई रैन अवे। अगला है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप, तो लॉसिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगेन टू वीप। अगला ही वॉज डिसगाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल, इसका हो जाएगा हैविंग बीन डिसगाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल, ये पैसिव वॉइस में था इसलिए हैविंग बीन का प्रयोग हुआ है। अगला है टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस, तो हो जाएगा टर्निंग टू द राइट कॉमा यू विल फाइंड द हाउस। अगला है द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू कैट, तो इसका टेकिंग पिटी ऑन द माउस कॉमा द मैजिशियन लर्न टर्न्ड इट इनटू कैट। अगला है सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन बेड, तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कॉमा सी ले डाउन इन बेड। अगला ही जंप्ड अप ही रैन अवे, तो जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे, तो इसका हो जाएगा जंपिंग अप ही रैन अवे। अगला है ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक ही सर्च्ड फॉर इट, तो ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक ही रेज्ड हिज गन ही टुक एम ही शॉट द टाइगर, तो राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कॉमा ही शॉट द टाइगर। अगला ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज इनिमी, तो ड्राइंग हिज स्वॉर्ड कॉमा ही अटैक्ड हिज इनिमी। अगला है शीला विटनेस्ड द शो सी विटनेस्ड थ्री डॉल्स द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा सी विटनेस्ड द शो ऑफ थ्री डॉल्स टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। अगला है ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज सिंथेसिस की फर्स्ट यहीं पर समाप्त हो जाती है और शेष आगे की जो एक्सरसाइज बची है वो भी अगले वीडियो में आती रहेंगी। धन्यवाद।